हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई दरबार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस। 16th एपिसोड है, 24 अगस्त के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे रोज़ की तरह। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसको हम लोग GS से भी लिंक करेंगे। आई होप जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी को कोई भी परेशानी आ रही है तो मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ मुझसे पूछ लिया कीजिए। कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक बार में हमें नहीं समझ में आ पाते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा से डिस्कस कर दूंगी। आप मुझे बस मैसेज कर दीजिए कि आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आई विल डिस्कस यू। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं हम जल जीवन मिशन से। जल जीवन मिशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, याद होगा। एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, हर घर जल, याद है? तो हर घर जल में कौन सा ऐसा राज्य है जिसके यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है हर घर जल के कॉन्सेप्ट से, उनके यहाँ पे हर घर में टैप वाटर पहुँच चुका है, कौन सा ऐसा राज्य है? क्या आपको याद है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आंसर भी बताया था, तो आपको याद आ गया होगा। उसका नाम है गोवा, है ना? गोवा ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बन चुका है। और अब इस न्यूज़ में एक और भी है, उसका नाम है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव भी जो यूनियन टेरिटरी हैं वो इसी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इनको भी सर्टिफाइड कर दिया गया है हर घर जल के द्वारा। और इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इन यूनियन टेरिटरी में और इस स्टेट में जो गोवा स्टेट है, हर घर में वाटर कनेक्टिविटी हो चुकी है, टैप वाटर पहुँच चुका है। तो इसका एम क्या था, पूरा जो जल जीवन मिशन है, सिलेबस में कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स GS पेपर 2 पॉलिटी वाले हिस्से में आ जाएगा। 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउस होल्ड्स में पहुँचाया जाएगा। 2024 तक का ये टारगेट रखा गया था फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के द्वारा। ठीक है, देखिए हिंदी में भी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जल जीवन मिशन का इसको 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सारे फैक्ट्स को लिख लेंगे अच्छे से, PDF आपको भेज दिया करती हूँ मैं। अगर किसी को नहीं मिला हो PDF तो वो मुझसे पर्सनली मांग लेगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू। वैसे मैं सभी को PDF भेज रही हूँ, आई होप बाकी लोगों को मिल रहा होगा। तो सभी लोग अपना अच्छे से नोट्स बना लेंगे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, या 24 में एग्ज़ाम जिनको देना है उनको भी नोट्स बनाना है। ठीक है, अब आप सोचो ना कि ये जो स्कीम है जल जीवन मिशन, ये कब आया है? 2019 में आया है। तो 2019 में भी ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि तब ये मिशन आया ही था, और आप आज भी इसको पढ़ रहे हो क्योंकि आज भी ये न्यूज़ में, जैसे कोई ना कोई स्टेट न्यूज़ में आ जा रहा है कि हर घर जल का उनको सर्टिफाइड हो गया, मिल गया। अब 2024 में इसका जब टारगेट पूरा होने का समय आएगा तो क्या ये तब इम्पॉर्टेंट नहीं होगा? ये तब भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब बताइए, 2023 वालों को भी ये पढ़ना पड़ेगा ना, और 2024 वालों को भी ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर बाय चांस 2024 के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे किसी और फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो फिर 25-26 वालों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी लोगों को अब धीरे धीरे आई गेस समझ में आ रहा होगा कि UPSC की तैयारी में ना कोई भी सर्टेन ईयर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप इस साल वाला पढ़ लीजिए, इस महीने का पढ़ लीजिए तो एग्ज़ाम में आ जाएगा। एग्ज़ाम में फ्री हैंड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब होता है जो भी अखबारों में देखा गया है, न्यूज़ में पढ़ा गया है, कहीं किसी करंट इवेंट में हुआ है, तो वो टॉपिक बन जाता है। इसीलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आंखें खुली रखनी पड़ेंगी करंट अफेयर्स को लेकर के, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके सिलेबस से जुड़ रही है, याद रखिएगा, कैसे पहचानेंगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आपके सिलेबस से जुड़ रही है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सिलेबस इसके लिए याद होना बहुत ज़रूरी है। और जो IAS दरबार के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सिलेबस पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया होगा अभी तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला न्यूज़। पहला वाला क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रामीण उद्यमी परियोजना। एक प्रोजेक्ट है ग्रामीण उद्यमी। उद्यमी का क्या मतलब है? उद्यमी, उद्यम का मतलब क्या होता है? स्किल, और वो या फिर बिजनेस बोल सकते हैं, बिजनेस। तो उद्यम एक बिजनेस है और बिजनेस को करने वाला उद्यमी हो गया, राइट? तो यहाँ पे ग्रामीण उद्यमी का मतलब क्या हुआ? नाम में सारी बातें छुपी हुई हैं
कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गांव के लिए लाया गया होगा, गांव में जो युवा वर्ग है उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो भी अपना एक बिजनेस, एक लाइवलीहुड कर सके। तो ये प्रोजेक्ट किसने लिया है? तो जो भी ऐसे काम करता होगा, जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखाते होंगे, कौशल विकास करते होंगे, वही इसमें जिम्मेदार होंगे। तो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NSDC का पार्टनरशिप है सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी। याद रखिए, सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के द्वारा मिलकर के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने एक साझेदारी की है, जहाँ पे कि ग्रामीण लोगों को जो स्किल देना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनका सेकेंड इनिंग, सेकेंड फेज, दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा न्यूज़ है। एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए ज़िम्मेदार है। दूसरा, आप अगर मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे सर ने आपको ट्रेनिंग दिया, जैसे सर ने, और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्वेश्चन आंसर दिया लिखने के लिए, तो वहाँ पर अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है कि भारत में बेरोज़गारी है या भारत की बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए, तो वहाँ पे आप इन टॉपिक को लिख सकते हैं कि भाई NSDC ने अभी पार्टनरशिप किया है सेवा भारती युवा विकास सोसाइटी के साथ, और वो स्किल डेवलपमेंट का सेकेंड फेज़ ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि हमारे युवा वर्ग को, इंडियन यूथ को क्या करेगा, स्किल्स प्रोवाइड करेगा और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति देगा। तो ये सब हम आंसर राइटिंग में भी पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो NSDC है, NSDC शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं आप लोग, बट शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही पता है। तो अच्छा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं अभी या तैयारी में अभी जस्ट आए ही हैं, वो लोग धैर्य रखिए। धैर्य बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है? आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते रहिए और बस हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए, ठीक है? तो जो भी ये लोग पहली बार सुन रहे हैं NSDC के बारे में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, वो घबराएं नहीं। अब इसके बाद जब भी आपके सामने ये शब्द आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओके, ये तो मुझे मालूम है। NSDC ये निगम है, एक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, जो कि नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, ओके? इसका काम क्या है? इसको 2008 में बनाया गया था कंपनी एक्ट के द्वारा। कंपनी अधिनियम है 1956 का, उसी अधिनियम। अच्छा, एक बच्चे का कल मैसेज आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी को लेकर के, राइट, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय को लेकर के शायद आया था। देखिए, संवैधानिक में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संविधान में बदलाव करके बनाई गई है, या फिर संविधान में वो पहले से लिखी गई थी, किसी आर्टिकल में वो मेंशन्ड है। एकदम सिंपल सोचने का तरीका क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं? फटाफट जाके ढूंढिए कि ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। वो आर्टिकल होता है ना उसमें, सिलेबस में, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, याद है किसी को फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 14, 15, 16। तो ये देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है क्या? अगर आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब है कि वो संवैधानिक नहीं हुआ, ओके? तो यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, इसको कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा बनाया गया है, यानी कि बहुत पुराना एजेंसी है ये, 2008 का बना हुआ है। ये किस तरीके से काम करती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पब्लिक मतलब सरकार, ठीक है? प्राइवेट मतलब कोई कंपनी, जैसे कि किसी की भी कंपनी, टाटा की कंपनी ले लीजिए, अनिल अंबानी की कंपनी ले लीजिए, तो ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है? पार्टनरशिप पता है ना आपको, साझेदारी। तो जब सरकार और कोई प्राइवेट व्यक्ति, जैसे कि आप, मिल करके कोई पार्टनरशिप करें तो उसको बोलते हैं PPP मॉडल। तो कहीं पर अगर आता है पब्लिक पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये मत सोचिएगा कि पता नहीं ये कौन सी बात है जो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। तो NSDC में इसी प्रोजेक्ट पर काम होता है। कुछ पैसे सरकार लगाती है, कुछ पैसे प्राइवेट सेक्टर लगाते हैं, और फिर दोनों मिलकर के जो भी प्रोग्राम है, जैसे कि स्किल डेवलप करने वाला प्रोग्राम है, कहीं कहीं पर रोड बनाने में PPP मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी प्रोजेक्ट लिया गया है उसको पूरा किया जाएगा।
आई होप एनएसजीसी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। ये एक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है, यूनिक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जो कि एनएसडीसी के द्वारा फंड किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका एम क्या है, इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश और झारखंड के। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट क्या है, मध्य प्रदेश और झारखंड के जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिए गरीब लोग नहीं, ट्राइबल स्टूडेंट्स जो आपके यहाँ पर जो जनजातीय होते हैं ना, जैसे कहीं कहीं पर संथाल हैं, भील हैं, ऐसे जो ट्राइब्स हैं उनके लिए ये मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट लाया गया है। इसको 6 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को 6 राज्यों में, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात। इससे ये पता चलता है कि इन राज्यों में जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनकी संख्या होगी, ज़्यादा होगी शायद, इसीलिए इन जनजातियों को स्किल देने के लिए, कौशल देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना को लाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में होता क्या क्या है, किस तरीके का जॉब मिलता है, क्या जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वो किस तरीके का दिया जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन भाई जाके बिजली बिजली ठीक कर लें, आजकल सोलर पावर प्लांट लोग लगाते हैं ना, सोलर एनर्जी का काफ़ी देख रहे हैं आप, गाँव गाँव में भी सोलर पावर लगने लग गए हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए टेक्निक सिखाए जाएंगे लोगों को ताकि वो वाला काम कर सकें। फिर प्लम्बिंग का काम, प्लम्बिंग मतलब जो ये किसी का नल खराब हो गया, नल टूट गया, मशीनरीज, इन सब का काम सिखाया जाएगा। टू व्हीलर रिपेयर करने का काम, अब आप देखते नहीं जगह जगह पे जैसे बाइक खराब हो जाती है तो लगे होते हैं ना लोग ठीक करने के लिए, तो टू व्हीलर रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह सिखाया जाएगा, इसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसके बाद आईटीज, ये सारे जो भी ई गवर्नेंस, मतलब मान लीजिए किसी बच्चे में बहुत अच्छी क्षमता है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसको थोड़ा सा और आगे लेवल पे लेके जाया जाएगा ताकि वो गवर्नमेंट लेवल पर काम कर सकेगा। और कृषि यंत्रीकरण, फार्म मैकेनाइजेशन का भी इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब कि वो जो बंदा इसमें ट्रेनिंग लेगा इस प्रोजेक्ट में, अब वो किसी भी जगह पे जाके काम कर सकता है, कमा सकता है, खा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, डेवलपमेंट कराया जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू, तो 2017 में पूछा गया ये सवाल है। पूर्व शिक्षा योजना की मान्यता का उल्लेख कभी कभी समाचारों में मिलता है, किससे संबंधित है। तो पारंपरिक चैनलों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाण, तो क्या इससे संबंधित है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आपको बताना है। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, उसका आंसर है ए, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो है इंडिया ईरान पैक्ट के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर कहाँ पर है सिलेबस में, आईआर कहाँ है, और आईआर में भी एक टॉपिक है कि बायलेटरल रिलेशंस, बायलेटरल दो देशों का संबंध, ठीक है, बायलेटरल रिलेशंस आईआर में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। आईआर कहाँ है, जीएस पेपर 2 में है, उसमें भी एक टॉपिक है बायलेटरल रिलेशंस, दो देशों के संबंध, इंडिया और ईरान के संबंधों की बात यहाँ पे हो रही है। एक पैक्ट साइन किया गया है नाविकों के लिए, जो लोग सी में, जो नाविक वगैरह नाव लेकर के सी में जाते हैं और मछली वगैरह पकड़ते हैं या बहुत तरीके का काम करते हैं, उनके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। किसके तहत, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग, STCW। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग थोड़ा पेशेंस से इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों ने नाविकों की आवाजाही को और सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। मतलब तो जो भी, जैसे देखिए ये यहाँ पे ईरान है, छाबार पोर्ट ये भारत है, दोनों ने पैक किया कि ये जो रूट होगा, ये जो नाव एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है वो और अच्छे तरीके से चला जाए, आसानी से चला जाए, उसके लिए पैक किया गया है। अब उसमें जो STCW की बात की गई थी, इसके बारे में बताया गया है कि आखिर ये क्या है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन STCW ऑन सी फेयर्स है, ये क्या है, किस चीज़ पर काम करते हैं। सो अधिकारों और निगरानी कर्मियों के लिए योग्यता मानक निर्धारित करता है, ये जो सम्मेलन है नाविकों के लिए STCW,
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 1978 1978 में लंदन में IMO है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी भी है संगठन, और ये भी क्या करती है, ये यही सब काम देखती है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, IMO से दो है, एक है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO, लेकिन ये क्या है, मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरिटाइम में समुद्री संगठन, समुद्रों से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उसको ये देख रेख करेगा। तो इसको 1978 में इस STCW को इसको अपनाया गया था, ताकि उसके बाद कई सारे इसमें बदलाव भी किए गए हैं, ताकि नाविकों के लिए थोड़ा आसान बनाया जा सके, कानूनों को आसान किया जा सके। सारे इसमें जो भी देश पार्टिसिपेट करते हैं वो इसको मानते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला न्यूज़ है वेद प्रोजेक्ट। वेद प्रोजेक्ट क्या है, एज अ पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट आश्रम शालाज, तो रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट है। वेद प्रोजेक्ट क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल, महाराष्ट्र के नंदूरबार तालुका में, नंदूरबार तालुका है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, उसमें आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालय आश्रम शालाएं सीखने के एक अनोखे तरीके के साथ प्रयोग कर रही है। तो इसमें क्या, बच्चों को वहीं पे ला करके और वहीं बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मतलब पुराना जो एंसेंट कॉन्सेप्ट था गुरुकुल वगैरह में रहने का, और आज का जो नया कॉन्सेप्ट है इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसे बच्चे पढ़ते हैं, उन दोनों को कंबाइंड करके एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इस तरीके से अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को इस वेद प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है, वेद प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला न्यूज़ है जियो थर्मल पावर को लेकर के। जियो थर्मल पावर को इकट्ठा किया जाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ONGC ने ड्रिलिंग स्टार्ट किया है, कहाँ पर, लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है पूगा, तो पूगा में ONGC ने अभी काम स्टार्ट किया है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, भूतापीय जियो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ड्रिलिंग हो रही है, खुदाई हो रही है। पूगा हॉट स्प्रिंग एरिया है, ठीक है ना, जो कि वहाँ पे लद्दाख में उपस्थित है। तो आपसे प्रीलिम्स से पूछ लिया जाएगा कि पूगा कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा लद्दाख में लोकेटेड है। ओके, अगर न्यूज है पैसिफिक ब्लूफिन टूना, सिंपल क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, टूना क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा टूना एक मछली की प्रजाति है, फिश की प्रजाति है टूना। तो पैसिफिक ब्लूफिन एक फिश है जो कि पैसिफिक ओशन में देखी जाती है, पैसिफिक ओशन में, याद रखिएगा ये जो मछली कहाँ पाई जाती है, पैसिफिक ओशन में। अगला न्यूज है ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार। एक्वा बाजार, एक्वा मतलब जो भी पानी से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि फिशरीज, कोई भी चीज जो कि पानी में होता है, तो एक्वा बाजार के लिए एक ऑनलाइन मार्केट क्रिएट किया जा रहा है। उसका नाम है मत्स्य सेतु मोबाइल। ठीक है, मत्स्य सेतु मोबाइल, और यहाँ पे जो भी फिशरीज का प्रोडक्शन है सब हो रहा है, उसको जानकारी दिया जाएगा। एप्लीकेशन पे क्या होता है, जानकारी तो होती है, तो इस एप्लीकेशन पर जानकारी दी जाएगी। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और इसमें जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है वो भी शामिल है। ठीक है ना, मत्स्य सेतु ऐप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इसको बनाया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर CIFA। नाम पूरा पढ़ लीजिए, बहुत हिंदी इंग्लिश इसमें नहीं करना है, नाम नाम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि ICAR और CIFA ने इसको बनाया है, डेवलप किया है, किसको, मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को, भुवनेश्वर में। ठीक है, और इसमें फंडिंग जो है NFDB के द्वारा किया जा रहा है, साथ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस स्कीम के तहत इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जिनको जो समझ में ना आए वो मुझे इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।